नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी बटालियन भी आ रही होगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? चोट गहरी तो नहीं लगी? तुम क्या मलहम लगाने आई हो? हाँ, पता है मारपीट के बाद ताऊजी तक पहुंच गई है और उन्होंने कुणाल और अर्जुन भैया को जमकर फटकार लगाया। इस मलहम का कोई फायदा नहीं है शुभ, ये झूठ है। आकाश, मैं सच बोल रही हूँ। पता है ताऊजी तुमसे मिलना चाहते हैं। एक और झूठ। तुम्हें सुबह से और कोई नहीं मिला? नहीं तो क्या अब ताऊजी मुझे मलहम लगाएंगे? ओए सॉरी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपने सर की कसम। तो फिर तो बहुत बड़ी साजिश होगी। क्या मुझे घर बुलाकर ही पीटेंगे? पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं वहां जाऊंगा। मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम पर भरोसा है श्रुति, लेकिन वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हारे सामने मेरी इतनी मरम्मत करेंगे ना ताकि तुम मुझे दूसरी बार देखने की हिम्मत तक ना करो। ताऊजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो लेकिन पहचानती नहीं। कुणाल और अर्जुन ताऊजी के ही नक्शे कदम पर चलने वाले, उन्हीं के दो मोहरे। कभी कभी सोचता हूँ तुम उनके घर कैसे पैदा हो गई। मैंने सुना था कीचड़ में भी कमल खिलता है, आज देख भी लिया। आकाश, ना तो मेरा परिवार कीचड़ है और ना ही मैं कमल हूँ। ताऊजी जैसे भी हूँ, लेकिन मुझे पता है वो कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। प्लीज आकाश, कल घर आ जाओ ताऊजी से मिलने। ठीक है, अगर इस बकरे की बलि चढ़ाने की इच्छा हो तो आ जाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? अच्छे मन से आओ, सब कुछ अच्छा होगा मेरे खातिर। प्लीज चलो ये भी आजमा कर देख लेते हैं। I'll wait for you. Bye. Bye. तो जाना तो हो गए यार, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बाहर भी तो मिल सकते थे, घर पे क्यों बुलाया? आता हूं। सुन 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 सुन, संभाल कर अंदर जाना। मैं यहाँ पर दीवार के पास खड़ा हूँ, तू अगर 10 मिनट में बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आऊंगा, और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो जोर से आवाज लगाना। ओके जोर से। मैंने देखे डायल कर करके पुलिस कंट्रोल का नंबर खाली दबाने के लिए। मेरी भी फट रही है यार। डर कुछ नहीं होगा, आता हूँ। संभाल के। Thank you.
बैठ भी जाओ बेटा, बैठो। आकाश। आकाश, कई महीनों से नाम सुन रहा, बहुत हिम्मत है, वरना बिना किसी सपोर्ट से हमसे फिर जाना। हिम्मत चाहिए, अच्छा लगा, इसीलिए यहां मिलने के लिए बुलाया। तुम कुछ नहीं बोलोगी? आप बोल लीजिए, अगर मुझे लगा किसी बात का जवाब देना जरूरी है तो मैं बोल दूंगा। आज से तुम्हें पूरी छूट है, तुम श्रुति से दोस्ती भी कर सकते हो और मिल भी सकते हो, लेकिन सब कुछ लिमिट में, हम इज्जतदार लोग हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझसे आकर ये कहे कि आपकी बेटी फलाने लड़के के साथ यहां वहां घूम रही है। समझदार हो, मर्यादा में रहोगे तो क्यों कोई कुछ कहेगा, है ना? और ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, ठीक है? जी, पक्की बात? पक्की बात, ये हुई ना बात। अच्छा बताओ क्या लोगे? जी कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, पहली बार आए हो, कुछ तो लेना होगा। पानी ले लूंगा। अरे कोई है, पानी ले आओ, और कुणाल से कहना मैंने उसे बुलाया है। लो, ये यही है। तूने सुन ली मेरी बात बेटा? आज से ये भी मेरी बात का मान रखेगा, और तू भी रखना। तुम्हें तू कहकर बुलाऊंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं, अच्छा लगा। तो बेटा तू ये समझ ले, आज से कुणाल और श्रुति दोनों तेरे दोस्त हैं। पानी। जी मैं चलूं? जा बेटा, खुश रह। श्रुति इसे दरवाजे तक छोड़ा,